नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। और आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं या वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो है HDFC बैंक के जो है आपके लोन के डिफरमेंट को, बेनिफिट को आप कैसे अवेल करें। क्योंकि एक्चुअली सुनने में ये आ रहा है और मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई RBI ने जब अनाउंस कर दिया है तो EMIs क्यों कट रही हैं या उनके बाउंसिंग चार्ज क्यों लग रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, RBI की गाइडलाइंस ये जो है बैंकों के लिए है कि आप उन्हें डिफरमेंट बेनिफिट दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने बैंक में ये अप्लाई करना होगा और बैंक को बताना होगा कि ये आपको बेनिफिट चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज मैं आपको इसी संदर्भ में जो है HDFC बैंक के लोन धारकों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि इस COVID-19 के अंदर जो moratorium बेनिफिट आया है वो एक्चुअल है क्या है। ये एक्चुअली कोई EMI का वेव ऑफ नहीं है, ये जस्ट आपको जो है एक ग्रेस पीरियड मिला है अगले 3 महीनों के लिए, जो कि था आपका जो है मार्च अप्रैल मई, जिसमें के जो है अभी मार्च की पेमेंट जा चुकी है। दूसरा सवाल आता है कि भाई इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसके लिए हर व्यक्ति वो एलिजिबल है जिसकी EMI टाइम से गई हुई है। अगर किसी कारण से आपकी जो है कोई EMI ऐसी हैं कि जो नहीं गई हैं या कुछ बाउंस हो गया या कोई चार्ज लगे हैं, तो इस केस में फिर बैंक डिसाइड करेगा कि आपको ये बेनिफिट देना है या नहीं देना है। अब आता है इसका तीसरा सवाल कि क्या होगा अगर मैं ये जो बेनिफिट ले लेता हूँ या मैं मोराटोरियम बेनिफिट ले लेता हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इसमें आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। अगर आप जो है 3 महीने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आपने लिया है तो आपका जो लोन 12 महीने का था वो अब 15 महीने का हो जाएगा। या आप जो है मार्च की EMI दे चुके हैं और अप्रैल और मई की लेना चाहते हैं तो वहाँ फिर आपका 2 महीने का टेन्योर बढ़ जाएगा। साथ में जितना टेन्योर बढ़ेगा उस पर कुछ उसकी ब्याज भी अप्लीकेबल होगी जो है। तीसरा है कि भाई अगर मानो कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बेनिफिट की ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास पैसा है, तो वो लोग क्या करें, तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो EMI जैसे पहले ऑटो डेबिट होती थी, जो क्रेडिट होती थी, वो होती रहेंगी, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, आपके पैसे वैसे ही कटते रहेंगे। ये सिर्फ उनको अप्लाई करना है जिन्हें ये बेनिफिट चाहिए जो है। अब एक सवाल ये भी आता है इसमें कि भाई एक चीज़ बताइए कि जब ये बेनिफिट मिल रहा है तो फिर भी मेरी EMI कट गई है। तो HDFC बैंक का कहना ये है कि अगर आपने 12 अप्रैल से पहले जो है मोराटोरियम बेनिफिट के लिए अप्लाई कर दिया था और आपकी EMI फिर भी कट चुकी है, तो आप वो EMI जो है उनसे वापस ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसा भी एक केस है कि आपने 12 अप्रैल से पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि आपको ये बेनिफिट चाहिए, बट आपके अकाउंट में EMI लगी है जिसमें अनसफिशियंट बैलेंस होने की वजह से वो बाउंस हो गया है, तो इस केस में होगा क्या कि आपका बाउंसिंग चार्ज वेव ऑफ हो जाएगा या आपका जो है कोई चार्जेस नहीं लगेंगे जो है। एक सवाल ये भी आता है कि भाई पैसे का क्या अंतर आएगा बेनिफिट लेने पे। तो वही बात है कि पैसे का अंतर वही है कि आप जो है कुछ ब्याज आप पे एप्लीकेबल होगा। एक सवाल ये है कि भाई अगर मैं NRI हूं तो मैं इस केस में क्या करूं। तो इस केस में जितने भी HDFC बैंक के NRIs हैं उनके लिए एक मेल एड्रेस जो है उन्होंने दिया हुआ है, आप उस मेल पे सिंपली मेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो मेल आप करेंगे वो मेल ID आपके बैंक में रजिस्टर्ड मेल ID होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी आप अदर बैंक मेल ID से जो है मेल करें, वो चीज़ नहीं चलेगी, आपको रजिस्टर से ही मेल करना होगा। अब उसमें क्या सब्जेक्ट डालना है, कैसे चीज़ें करनी है, उसका जो है एक फॉर्मेट है पूरा, मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उनसे देख के जो है वो आप कर सकेंगे जो है। चौथा सवाल ये भी है कि भाई अगर मेरा कई बार फ़ोन कर रहे हैं आप इंडियन ही हैं, फ़ोन किया आपने, बट हो क्या रहा है कि आप रजिस्टर्ड फ़ोन से फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं,
या आप NRIs है तब भी आप रजिस्टर्ड फोन से फ़ोन नहीं कर पा रहे कस्टमर केयर पे, तो उस केस में भी सेम चीज़ आ जाती है कि आप उन्हें फिर मेल करेंगे। लेकिन बार बार इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपको जो मेल करनी है वो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही मेल करनी है, आप किसी और अदर मेल आईडी से मेल ना करें। अब एक सवाल उनके लिए भी है जो कहते हैं कि भाई हमारे तो एक से अधिक लोन चल रहे हैं जो है HDFC से, तो क्या ये सभी पे जो है अप्लाई होगा? इसका जवाब हाँ है सर, आपके जितने भी लोन चल रहे हैं, चाहे पर्सनल हो, ऑटो लोन हो या आपका होम लोन हो, ये सभी पे अप्लाई होगा, बशर्ते कि ब्याज का ध्यान रखें, ब्याज हर लोन पे अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी जो है। एक सवाल ये भी है कि इसका क्रेडिट कार्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे क्रेडिट कार्ड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, इसमें कोई भी ना तो बाउंसिंग चार्ज लगेगा ना ही कोई आपको जो है समस्या होगी कि क्रेडिट कार्ड में कोई दिक्कत हो रही है आपके में। इसमें क्रेडिट कार्ड होल्डर्स भी पूछ सकते हैं कि ये बेनिफिट्स सिर्फ होम लोन या लोन्स पे ही है या क्रेडिट कार्ड पे भी है? तो इसमें का जवाब ये है कि आप जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट अवेल है HDFC के द्वारा। अब आपको इसका बेनिफिट लेना कैसे है? तो क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट लेने के लिए सिंपली चीज़ ये है कि आप जो आउटस्टैंडिंग बिल आएगा आपका, अगर आप उस बिल को डायरेक्ट पे करते हैं भाई चेक के द्वारा या आपको पे करना होता है, तो उस केस में अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपका जो है मोराटोरियम बेनिफिट के अंदर चला जाएगा। अगर आपने अपने बैंक से ऑटो डेबिट लगा रखा है, आपने ऑटो पेमेंट लगा रखा है, तो उसके लिए आपको करना होगा कि आपको नेट बैंकिंग में जाके या मोबाइल बैंकिंग में जाके उस पेमेंट को जो है टर्न ऑफ करना है। ये सिर्फ जो है ध्यान रखिएगा मार्च अप्रैल और मई के बाद आपको ये ऑप्शन फिर आपको ऑन कर देना है। जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पूछ सकते हैं कि भाई जो मोराटोरियम के अंतर्गत जो बेनिफिट होगा उसमें कुछ नुकसान या इसका दूसरा पक्ष क्या है? तो इसमें एक ही नुकसान है या इसका दूसरा पक्ष यही है कि आपका जितना भी पेमेंट होल्ड होगा उस पे बैंक कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा आप पे। तो इसके लिए ऐसा ना हो कि कहीं ये गलतफहमी रहे कि जितना पेमेंट आपने दिया है उतना ही जाएगा। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है कि HDFC से रिलेटेड जितने भी जो है आपके सवाल हैं उनके जवाब दे सकूँ मैं जो है। अब आपको जो है अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में एक चीज़ ये है कि जो हमारे HDFC के इंडियन कस्टमर्स हैं जो है उनके लिए इन्होंने एक जो है ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी जो है चालू की हुई है कि आप केयर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो जो है नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ उस लिंक पे जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है शेयर करेंगे जो बैंक के साथ, या आप वो अपना अकाउंट नंबर, लोन अकाउंट नंबर है, मेल आईडी है, अपना सारी इन्फॉर्मेशन है, आप ऑनलाइन ही उसे फिलअप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट यहां से भी ली जाएगी। तो ये था ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप उन लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करें जो HDFC के ग्राहक हैं, क्योंकि बाज़ार में ये आ रहा है देखने में कि लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ उन्हें मोटा मोटा यही पता है कि भाई आपकी EMI माफ़ हो रही है। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं कि जो अभी मैं नहीं दे पाया हूं, तो आप मुझे जो है कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।